हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी फिश करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, तेल गर्म हो गया है, डाल देंगे आलू के टुकड़े। यहाँ पर हमने चार बड़े साइज के आलू को टुकड़ों में काट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आलू के टुकड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम फिश के टुकड़ों को मैरिनेट कर लेते हैं। फिश में हमने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अभी इनको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो इनको हल्दी और नमक के साथ हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और यहाँ पर आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आलू के टुकड़ों को हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो अभी हम फिश के टुकड़ों को फ्राई कर लेते हैं। फिश फ्राई हो गए हैं, अभी हम कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल में डाल देंगे आधा चम्मच पांच फोरन, साथ में डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। तीन मीडियम साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया है और अभी हम डाल देंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, डाल देंगे टमाटर के टुकड़े। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के टमाटर को टुकड़ों में काट कर लिया है। तो अभी हम डाल देंगे मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर। तो अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन बार पानी डाल के चार से पांच मिनट तक मसालों को भुनेंगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू के टुकड़े और इनको मसालों के साथ दो से तीन मिनट तक भुनेंगे। लगभग दो से तीन मिनट हो गया है, अभी हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तीन ग्लास पानी ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, अभी डाल देंगे फ्राई किए हुए फिश के टुकड़े, साथ ही में डाल देंगे एक चम्मच दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च का पेस्ट। तो अभी इनको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ग्रेवी थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। तो देखिए ग्रेवी काफी थिक हो गया है, हमने थोड़ा सा आलू भी स्मैश कर दिया था ग्रेवी में। तो अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। फिश करी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।